पंजाब और सिंध के मैदानी इलाकों में धुंध। सरगोधा, हाफिजाबाद, फैसलाबाद, उखाड़ा, साहिबाल, मुल्तान, भावलनगर, डेरा गाजी खान, पिशावर, नौशहरा, 410 सेक्टर लाड़काना में देने का इंतहा कम। सूरत हाल बेहतर होने पर मोटरवेज को खोल दिया गया। परवाजों का शेड्यूल तरहम बरहम। ट्रेनों की आमद रफ्त में ताखीर। मुल्क भर में सर्दी की शदीद लहर। बेशतर इलाकों में मतला अबर आलूद। इसकर्दू का पारा -18 तक गिर गया। स्तूर में -12, गोपस बकरोड में -9, गिरगित हुंजा में -7, कलाम में -5 रिकॉर्ड। यख बस्ता मौसम में गैस का बहरान। घरों के चूल्हे ठंडे। पंजाब और खैर पख्तूनख्वा में CNG स्टेशन बदस्तूर वीरान। कराची समेत सिंध में 146 घंटे बाद खुलने वाले CNG स्टेशन फिर बंद। सुबह 6 बजे तक CNG स्टेशन पर गाड़ियों की कतारें लगी रहीं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान पेशावर में मौजूद। आज सूबाई काबीना इजलास की सदारत करेंगे। खैर पख्तूनख्वा के तरक्याती मनसूबों और सूबाई वज़रा की कारकर्दगी का जायजा लिया जाएगा। वज़रा के कलमदान बदलने का इम्कान। काबीना में तौसी की मंजूरी भी मुतवक्के। मियां नवाज शरीफ के कंधे के निचले हिस्से में गिलचियां बन गईं। कैंसर से मुतालिक कोई भी राय गिलचियों की बायोप्सी के बाद मुमकिन है। डॉक्टर्स के मुताबिक प्लेटलेट्स गिरने की वजह जानने के लिए मजीद टेस्ट करना होंगे। दिमाग की सुकड़ी, शरियानों की फौरी स्टंटिंग मुमकिन नहीं। अपोजिशन की राहबर कमेटी का इजलास आज होगा। अपोजिशन अराकीन की गिरफ्तारियों से मुतालिक मुशावरत होगी। आर्मी चीफ की मुलाजमत की मुदत में तौसी और परवेज मुशर्रफ के खिलाफ अदालती फैसले पर बातचीत भी होगी। तमाम अपोजिशन मेंबर अपनी पार्टी का मौकफ पेश करेंगे। मकबूजा कश्मीर में 146 में रोज भी कर्फ्यू और लॉकडाउन। खुराक और अद्वियात की शदीद किल्लत। तालीमी इदारे बंद। वादी के चप्पे चप्पे पर काबिज फौज तैनात। मकी घरों में महसूर। अदाकार यासिर हुसैन और इकरा अजीज की शादी की तकरीबात जारी। दोनों आज एक हो जाएंगे। शादी की तकरीब में शोबिज के साथ सितारे शिरकत करेंगे।